तो चलिए बात करते हैं कुल्लू के थप्पड़ कांड। क्या विश्वास कर सकते हैं कि पुलिस के दो आला अधिकारियों के बीच लात घूंसे चले हों और वो भी मुख्यमंत्री के सामने? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। पूरी घटना बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये सोचिए कि जिन लोगों पर व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वही लोग इस तरह की व्यवस्था की जो बखिया उखेड़ देते हैं, उनका क्या किया जाए? तो ये तो वही बात हुई कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। खैर, आप ये रिपोर्ट देखिए। सीएम के सामने सुरक्षा इंचार्ज को तमाचा, सीएम के सामने एसपी को मारी लात, सीएम के सामने अधिकारियों में दे तमाचा दे लात। आजकल हर तरफ हिमाचल के थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं विरोधियों को भी इस बहाने बोलने का मौका मिल गया है और वो कह रहे हैं कि हिमाचल में ना तो तंत्र है ना नियंत्रण, सब कुछ बेलगाम है। सीएम के सामने इतनी बड़ी घटना घट गई, ये शर्मनाक है। अब जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने शख्स सीएम सुरक्षा में तैनात एक कर्मी को थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कुल्लू का एसपी गौरव सिंह है, और जिनके गाल पर यह थप्पड़ जड़ा गया है वो सीएम जयराम ठाकुर के सिक्योरिटी इंचार्ज एएसपी ब्रजेश सूद हैं। घटना बुधवार की है, जब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मनाली के दौरे पर थे। सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रजेश सूद एसपी गौरव सिंह को कुछ कहते हैं और फिर गौरव सिंह उनके गाल पर जोरदार तमाचा चढ़ देते हैं। ये तो घटना का पहला हिस्सा है। इसके बाद सीएम की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मी बलवंत सिंह कुल्लू एसपी गौरव सिंह को लात मारते हैं और एसपी हंगामा भरते देख पीछे हट जाते हैं। आसपास मौजूद जवान भी बीच बचाव करने बीच में आ जाते हैं। ये सब कुछ सीएम की आंखों के सामने होता रहा, क्योंकि जिस सफेद गाड़ी के सामने ये पूरा थप्पड़ कांड किया गया, उस गाड़ी में खुद सीएम जयराम ठाकुर बैठे थे। अगर वीडियो को ध्यान से सुने तो एक फोरलेन प्रभावित किसान कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि एसपी साहब को क्यों मार रहे हो। इस थप्पड़ कांड के बाद से ही सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। विरोधियों ने तो सरकार को घेरा ही है, इसके साथ ही आम लोगों में भी गुस्सा है। अब सवाल उठता है कि दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले ये वर्दीधारी जब बीच सड़क इस तरह के कांड रचाएंगे तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? ये तो वही बात हुई, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरी घटना से हिमाचल सरकार की खूब फजीहत हुई है। तो इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एक सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों और ऐसा क्या हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी को इस कदर गुस्सा आ गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही उनके सुरक्षा कर्मियों को तमाचा मार दिया। तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी। तो कुल्लू में हुए थप्पड़ कांड के पार्ट वन को देखने के बाद आपको पार्ट टू देखना बहुत जरूरी है। पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि घटना के पीछे की असली वजह क्या है। तो एसपी गौरव सिंह और सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच गहमा गहमी तब शुरू हुई जब सीएम जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर कुल्लू के ढालपुर में लैंड हुआ था। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो वहां जमीन पर काफी धूल उड़ी, जिस पर सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि जमीन पर पानी डालना चाहिए था, जिस पर एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि पानी डाला गया था। इसके बाद सीएम के काफिले में सुरक्षा कर्मियों का दूरी से चलना भी विवाद का विषय बन गया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब फोरलेन प्रभावित किसान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास पहुंच गए। बस फिर क्या था, एसपी और सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच कुछ बात हुई और देखते ही देखते एसपी ने सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके जवाब में पीएसओ ने एसपी पर लात चलाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद से ही सरकार से लेकर पुलिस विभाग की जमकर आलोचना हो रही है। सवाल है कि एसपी जब अपने समकक्ष अधिकारियों के सामने अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर सकते तो आम जनता के साथ क्या ही सुलूक करते होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं हिमाचल के इस थप्पड़ कांड के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन उससे पहले ही घटना में शामिल तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। डीजीपी ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और उससे पहले एसपी और दोनों पीएसओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। खैर, जांच होगी वो एक अलग विषय है,
लेकिन हमारे आपके सोचने के लिए जो एक सवाल है वो ये है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर व्यवस्था का दारोमदार दिया जाना जरूरी है, क्योंकि इस घटना के बाद से कुल्लू, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उस कुल्लू को शर्मसार होना पड़ा है।